औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। MTH 603 असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2021 के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायरेक्ट उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 1.5 अपीयर द बिगिनिंग ऑफ टेबल, वो यूज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैंने ये तमाम डेरिवेटिव्स जो हैं इसके फाइंड किए हैं। स्टार्ट मैंने 1.5 लिया, फिर 2.5, फिर इस तरह फर्दर में आगे 0.5 के साथ जो है मैं इसको इंक्रीज करता गया। अब ये जो मैंने आप लोगों के सामने फारवर्ड डिफरेंस टेबल जो है, फारवर्ड डिफरेंस फार्मूला के तहत मैंने जो ये डेरिवेटिव्स जो हैं वो मैंने सारे के सारे जो है मैंने फाइंड किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी ये कैलकुलेशन एज इट इज़ लिखनी है। अब ये कैसे है, इन केस अगर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ यहाँ पर, तो मतलब कि यहाँ से चलें मैं ये बता दूँगा, फिर आगे यहाँ से मैं ये बताता हूँ ये, तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस टेबल जो है वो बनाते बनाते मुझे एक घंटे की वीडियो जो है वो बनानी पड़े। तो टेबल आप लोगों के सामने मैंने बता दिया। ठीक है, आप लोग जो है वो इसी को ही, आप लोग इसी को ही जो है वो वहाँ पर आप लोग पेस्ट करें या कॉपी करें या जो भी है। ठीक है, एज इट इज़ जैसे ही आप लोग करते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि ये बिल्कुल जो है इसकी कैलकुलेशन ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो डी एफ एक्स, तो 1/1 ये जो फार्मूला है ये मैंने बुक से देख के लिखा है। देन इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, देन मैंने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है तो मेरे पास 4.75 आ गया। इसी तरह डी एफ टू में मैंने जो है ये सारा फार्मूला लिखा है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 था तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 था क्योंकि ये 1 का था, ये 2 का था, इसीलिए फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज़ इस टेबल के अकॉर्डिंग लिखी। देन मैंने इनको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर जो है वो 9 आ चुका है। ठीक है, ये भी आपने एज इट इज़ लिखना है, कोई इसमें चेंजिंग की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो मैंने टेबुलेट किया है जो फंक्शन उन्होंने बताया था उसका। दोबारा आप लोगों को मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि आप लोगों ने ये टेबल जो है वो एज इट इज़ ही लिखना है। ठीक है, तो फारवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया क्योंकि एज की वैल्यू 0.4 आ गई। ये मैंने सारा फार्मूला लिखा है। ठीक है, अब मैंने इस फार्मूले के अंदर ये सारी मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, देन मैंने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया और मेरे पास ये जो आंसर है ये आ चुका है। मतलब कि लास्ट पे ये मेरे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने जहाँ से भी गेट की हैं वो आप लोगों को आइडिया तो इस बात का है ही, 1.5 और 1.33। चले इसका तो जो है वो 3.49 ये लिखा हुआ है। ठीक है, 3.49। अब इस पे जो है वो पी 1.33 और 1.5, 1.33 जो है वो तो इसकी आ गई। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट किया मैंने, पी -1/2 का फैक्टोरियल। ठीक है, पी ओवर पी माइनस वन ओवर फैक्टोरियल 1.4। ठीक है, 1.4 -1/2 का फैक्टोरियल आप करेंगे, 1.4 -1/2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 1.5 ही आएगा। ठीक है, अब फर्दर आगे जो है वो इसका आंसर ये जो है ये इसकी तो वैल्यू ये है। ठीक है, ये यहाँ लिखी हुई है यहाँ पर। अब 1.5 -1/2 का फैक्टोरियल, इसका तो आंसर डायरेक्ट ही लिख दिया ना, इसका आंसर ये है। ठीक है, देन आगे ये जो आपके पास लास्ट वाला है इसको जो है वो ये लिखा है। एरर जो है वो मैंने पहले तो लिखा था कि मैं उसको भी ऐड करूँगा, लेकिन बाद में एरर मैंने कोई अज्यूम नहीं किया हुआ। ठीक है, देन ये सारा आप फार्मूलेट करें, कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन सबसे पहले जो है वो आप कॉपी पर सॉल्व करें, देन आप इसको वर्ड पे सॉल्व करें।
आंसर आप लोगों के पास यही आएगा, और यही आंसर जो है वो आप लोगों के पास बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।